चलिए खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बलिया की। यूपी के बलिया में जमकर बवाल हुआ है, पुलिस और पब्लिक में हिंसक झड़प हुई है जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। जख्मी लोगों का इलाज चल रहा है। दरअसल बीजेपी विधायक उपेंद्र तिवारी अपने समर्थकों के साथ नरही थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और लोगों ने भी पथराव किया। तो दोनों तरफ से हिंसक झड़प के बाद गोली भी चली और लोगों का आरोप है कि पुलिस की गोली से एक शख्स की मौत हो गई। वहीं पर स्टेडियम डीएम लोग गेट के सामने आए और हटाकर गाली उली देने लगे और देने के बाद भगाने लगे। हम लोग नहीं हटे, उपेंद्र तिवारी के साथ में थे। उसके बाद उन लोग डांटा उंटा चलाने लगा और गोली भी चला। एक आदमी को मृत हो गई है जो कि विनोद राय है। दरअसल उपेंद्र तिवारी के समर्थकों को पुलिस ने पशु तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। विधायक उपेंद्र तिवारी फर्जी गिरफ्तारी के आरोप में एसओ के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। धरना प्रदर्शन खत्म करवाने को लेकर दोनों पक्षों में बातचीत विफल होने के बाद पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पहुंची थी और इसी दौरान हिंसक झड़प हो गई। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसी दौरान पुलिस पर गोली चलाने का भी आरोप लगा है। चंद्रमा यादव संत कबीर नगर से 5 गाय खरीद के लाए जिसमें 2 गाय बच्चा दी हुई है, 3 गाभिन बाड़ी से आजकल मैं बच्चा दे सकते हैं। कोई गाय 28,000 की है, कोई 24,000 की है, कोई 18,000 की है, कोई 23,000 की है। पक्की रसीद है इनके पास। जैसे ये 10:30 रात में अपने घर पे पहुंचे तो इनके पटीदार से इनकी झगड़ा होता है। उसने नरही एसओ को फोन किया और नरही एसओ SSI समेत मौके पर पहुँच गया और वहाँ पर उपाध्यक्ष ये सब अपने घर पे पहुंचे। अभी जैसे अभी पशु को बांधे ही थे तब तक पुलिस वाले जबरे पशु को साथ और इन सबों को पकड़ करके लाना शुरू कर दिए। इन सबों ने कहा कि अरे हम लोग खरीद के ला रहे हैं, ये वो पर्ची भी दिखाए। फिर भी दरोगा ने कहा कि 6 महीने से मैं तुमको खोज रहा था। यहाँ तक हम इस बात के लिए भी तैयार थे कि अगर वो रसीद हमें दिखाता है तो हम रसीद उसको गैस खुद कर देते हैं और जो आपकी ग्रीवेंसेज आप जो एप्लीकेशन दे रहे हैं अगर आप चाहें तो अभी मजिस्ट्रेटी जाँच भी इसमें करा लें या इसमें जाँच करा लेते हैं ये जो आपके आरोप लगा रहे हैं आप इसमें। लेकिन उसके कहने के बाद भी नहीं माने और वहाँ लोगों के साथ बैठ के भाषणबाजी करते रहे। 6:30 बजे के 6:30 7:30 7:30 वहाँ से ADM और SDM और एडिशनल SP गए, वो भी लगातार 4-5 चक्रों में वार्ता हुई लेकिन उसके बाद भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसी बीच जब ये हुआ कि भाई अब नहीं मान रहे हैं तो हम लोगों ने गिरफ्तारी का प्रयास किया। इसी दौरान जो वहाँ के और जिस धरना के लोग बैठे थे 250-300 आदमी बैठे थे वो रो गए, उन्होंने जो है पुलिस पर जो है पत्थर उत्थर चलाना शुरू किया। पुलिस ने इसमें आवश्यक बल में लाठी उठी मारी, नीचे जमीन पटका और फायर उसका टीयर गैस एवं रबर बुलेट का प्रयोग किया। उस पर भीड़ वहाँ से डिस्पर्स कर गया। बाद में एक याद था जब एक व्यक्ति इसमें गायब था, एक के सिर में चोट लगी, बाद में पता चला कि एक व्यक्ति यहाँ मृत हो गई है और लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसमें गोली पुलिस की गोली लगने से मृत हुई है। लेकिन जो वहाँ हमने जो बात की तत्कालीन वहाँ किसी ने ये बताया कि था इस तरह की फायरिंग वहाँ पे हुई है। और इसी खबर पर अजीत बातचीत के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता धनंजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय पहले तो ये बताइए कि इस मामले में अपडेट क्या है, दूसरा ये कि प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि पुलिस ने गोली चलाई है, मारा पीटा है और पुलिस कह रही है कि उसने गोली चलाई ही नहीं, तो इस शख्स की मौत हुई कैसे फिर? गिरफ्तार किया था, उसके पास से 4 मवेशी भी बरामद किया था। तो इसको लेकर के बीजेपी में खासा आक्रोश था और स्थानीय विधायक बीजेपी के उपेंद्र तिवारी वहां थाने पर पहुंचे थे और वो थाने पर बार बार इस बात की तहरीर दे रहे थे कि जिस पर पुलिस आरोप लगा रही है कि पशु तस्कर है उसने वो पूरे कागजात दिखाए हैं कि ये पशु जो है वो खरीद करके अपने लिए लाया गया है, उसके कागजात पूरे हैं मगर पुलिस मानने को तैयार नहीं है। तो इसको लेकर के बीजेपी विधायक बार बार पुलिस अधीक्षक से और जिले के आला अधिकारियों से मांग कर रहे थे कि आरोपी दरोगा के खिलाफ FIR दर्ज हो और उसके ये भी आरोप लगाया जा रहा था कि दरोगा ने उसके पास से 50,000 रुपए भी उसके पॉकेट से निकाल दिए थे। तो इस समय मवेशी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो इसको लेकर के वो FIR दर्ज कराने की मांग कर रहे थे।
पुलिस ने इस पर विधायक की सारी बातों को दरकिनार कर दिया था और वो पुलिस विधायक की बात को मानने को इसे इनकार कर रही थी। इसको लेकर के बीजेपी विधायक सैकड़ों समर्थकों के साथ थाने में धरने पर बैठे थे और दरोगा के खिलाफ और एसओ के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे थे। तो ये सिलसिला कल सारा दिन चला और देर रात पुलिस ने जब विधायक को जबरन थाने से हटाने की कोशिश की गई तो जरूर विधायक के जो समर्थक थे, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनमें और पुलिस में झड़प हुई है और जिसको लेकर के पुलिस ने वहां लाठीचार्ज किया है। और जो पीड़ितों का कहना है, जो धरने में जो लोग वहां मौजूद थे उनका कहना है कि वहां पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, फायरिंग किया है। तो बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली है जिसके चलते इस मामले में बवाल भी देखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनंजय सिंह इस जानकारी के लिए। विधायक उपेंद्र राय और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीटा और गोली मारी, लेकिन पुलिस इससे इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि पुलिस वालों ने गोली नहीं चलाई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली खबर की। और अगली खबर आपको बता दें कि दिल्ली के गाजियाबाद से है। गाजियाबाद के मुरादनगर में जिन गुंडों ने AK-47 से बीजेपी नेता को निशाना बनाया था, उन गुंडों का पुलिस अब तक सुराग नहीं लगा पाई है। 36 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस ब्रजपाल तेवतिया को गोली मारने वालों को नहीं ढूंढ पाई है। बदमाशों को ढूंढने के लिए यूपी पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हमलावरों की तलाश में 800 पुलिस वालों की टीम लगाई गई है, जबकि अब तक 25 लोग हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस ने इस वारदात में इस्तेमाल एसयूवी और हथियार भी बरामद कर लिए हैं, लेकिन हमलावरों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता ब्रजपाल तेवतिया की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक अगले 36 घंटे उनके लिए बेहद ही अहम है। आपको बता दें कि गुरुवार की शाम बदमाशों ने तेवतिया को AK-47 और 9mm की पिस्टल से गोली मार दी थी। और इसी खबर पर औचित्य बातचीत के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता अनुराग चड्ढा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, 36 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी तक हमलावरों को नहीं ढूंढ पाई है पुलिस, उस पर भी आरोप लग रहे हैं कई तरीके के। जी बिल्कुल दिव्या, जिस तरीके से पुलिस इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है लेकिन नतीजे उस तेजी से नहीं आ पा रहे हैं। 36 घंटे बीत चुके हैं लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है लेकिन जो सटीक इन्फॉर्मेशन और जो सटीक लोगों की जो जानकारी है पुलिस के हाथ अभी तक नहीं लगी है। दरअसल पुलिस जो पुराना केस है, जिन लोगों की दुश्मनी ब्रजपाल तेवतिया से है, उन्हीं को जांच के दायरे में रखकर चल रही है। जिस तरीके से सुनीता हसनपुरिया को कल पुलिस ने हिरासत में लिया था तो उससे अभी तक कुछ पूछताछ के बाद निकला नहीं है। इसके अलावा शेखर गैंग की बात करें या मनोज गैंग की बात करें तो वो भी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है, चूंकि उन अपराधियों का एक लंबी चौड़ी उनकी हिस्ट्री शीट है और वो लोग AK-47 जैसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए पुलिस की जो जांच की दिशा है वो वहां घूम रही है। जबकि जो ब्रजपाल तेवतिया के परिवार से जुड़े लोग हैं, उनसे हमारी बात हुई थी तो उनका कहना है कि ये पॉलिटिकल रंजिश है, पुरानी रंजिश से इस गोलीबारी का कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरीके से पुलिस ने इस केस में तेजी दिखाई है, हालांकि गाजियाबाद में शूटआउट होना आम बात है, कई बार यहां पर दर्जनों राउंड 50 राउंड गोली चल चुकी है, लेकिन इस बार जो पुलिस है 36 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी तक हमलावरों को पुलिस नहीं पकड़ पाई है, जबकि 900 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं इस मामले को सुलझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस जानकारी के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज तिरंगा यात्रा के लिए लखनऊ पहुंच रहे हैं। अमित शाह काकोरी में तिरंगा फहराएंगे। तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के तहत तमाम केंद्रीय मंत्री भी अलग अलग जिलों में तिरंगा यात्रा में शरीक होंगे और इस दौरान अमित शाह संगठन पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे जिसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। काकोरी कार्यक्रम के बाद अमित शाह सांसद कौशल किशोर के घर भोजन करेंगे। दरअसल बीजेपी ने तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और ये तिरंगा यात्रा दो चरणों में निकाली जा रही है। पहले चरण में 9 से 14 और दूसरे चरण में 16 से 2 अगस्त के बीच ये तिरंगा यात्रा निकाली जानी है। तो लखनऊ में अमित शाह आज तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी खबर पर औचित्य बातचीत के लिए इस वक्त लखनऊ से हमारे संवाददाता विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, अमित शाह की इस यात्रा में पार्टी जिस तरीके से कोशिश कर रही है दलितों को और पिछड़ों को साधने की, वो भी दिखेगा इस यात्रा में? देखिए, ये यात्रा खासतौर पर आजादी के 70 साल को मनाने के लिए की गई है और इसी सिलसिले में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता तिरंगा यात्राओं में शामिल हो रहे हैं।
उसी तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए अमित शाह लखनऊ पहुंच रहे हैं। 10:15 के आसपास उनकी फ्लाइट लखनऊ में लैंड होगी, वहां से सीधे वो काकोरी शहीद स्मारक स्थल जाएंगे, जहां पर चार क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी थी उस कांड के बाद। वहां पर जाकर वो तिरंगा फहराएंगे, वहां पर एक छोटा सा पब्लिक एड्रेस भी होगा अमित शाह का, उसके बाद फिर वहां से वो दिल्ली निकल जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक इस जानकारी के लिए।